रिलेशन है वो ट्रांसिटिव रिलेशन है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है आर रिलेशन, आर इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, यानी कोई ऐसा रिलेशन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांसिटिव हो, तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा हो, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब उसके बाद आता है हमारे पास